उसी का परिणाम है कि 140-400 पार का जो संकल्प और नारा दिया गया है वो 400 पार होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भाइयों बहनों, हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी आप सबके प्रिय मेरे बड़े भाई अमित जी यहाँ पर आ गए हैं। मैं आप सबकी तरफ से उनका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद जैसे पिछली बार मिला था, इस बार आपको और बड़ा आशीर्वाद आपने देना है। घर घर से निकलकर हर एक को आपने मतदान केंद्र तक ले जाना है। जैसे यहाँ से अजय भट्ट जी दूसरी बार यहाँ से आप सांसद बनेंगे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आज आप सबको देखकर जिस प्रकार मैं देख रहा हूं उनके प्रति आपका स्नेह, आपने अपना आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद निश्चित रूप से एक बड़ी जीत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड देवभूमि से विशेष लगाव है। कोई ऐसा पल नहीं होता है जब वो प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य का नाम न लेते हों। हमारे राज्य के न जाने कितने ही लोग उन्होंने अपनी मन की बात में उनको हमेशा स्थान दिया है। यहां से भी आपने देखा होगा घोड़ा लाइब्रेरी, हमारे यही कोटाबाग के हमारे एक नौजवान को उन्होंने बधानी क्षेत्र के, तो ऐसे अनेकों बार उन्होंने मन की बात हो या अन्य कार्यक्रम हो, चाहे 26 जनवरी का कार्यक्रम हो या अभी जम्मू कश्मीर में एक दिन देश को वो जम्मू कश्मीर से बहुत सारी करोड़ों लाखों करोड़ की योजनाओं को उद्घाटित कर रहे थे, उनका लोकार्पण कर रहे थे, उस दिन भी अगर वो किसी का नाम लेते हैं तो देवभूमि उत्तराखंड का लेते हैं, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड प्रधानमंत्री जी के हृदय में बसता है। भाइयों बहनों, उसी का परिणाम है कि आज हमको 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं पिछले 10 सालों में राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। प्रदेश की विकास यात्रा यूं ही जारी रहे इसके लिए हमें राज्य की 5 सीटें उन पर एक बार फिर से कमल खिलाना है, बड़े अंतर से कमल जिताना है। भाइयों बहनों, अगर हमारी सरकार नैनीताल उपसम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को करने में कोई कोताही नहीं बरतती है, लगातार हम उसको आगे बढ़ाने पर विश्वास करते हैं। हमने इसी जनपद में हल्द्वानी का जो आधारभूत ढांचा है उसको विकसित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक के मास्टर प्लान की स्वीकृति हो चुकी है, उस पर काम तेजी से होने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। नैनीताल में नारायण नगर में बहुप्रतीक्षित पार्किंग को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बलिया नाले के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई है। हमारे विश्वविख्यात कैंची धाम दीप करोरी बाबा के स्थान के लिए भी जो हमारा मास्टर प्लान है वो तैयार हो गया है, उसकी धनराशि भी जारी कर दी है 28 करोड़ रुपए की। आगे चलकर और भी हमने मानसखंड मंदिर माला मिशन लिया है उसके आसपास से बाईपास बनाने की योजना हमारी है, वहां पर एक मल्टी पार्किंग बनाने की योजना है, उस पर तेजी से काम चल रहा है। काला ढूंगी क्षेत्र में भी सड़कों के विस्तार के लिए, उसके निर्माण के लिए, चौड़ीकरण के लिए अभी पिछले दिनों हमने एक बड़ी धनराशि वहां के लिए भी 225 करोड़ रुपए की स्वीकृत कर दी है। चौपला चौराहे से त्रिमूर्ति मंदिर तक नहर कवरिंग का कार्य किया गया है, इस योजना से भी 20,000 से भी ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। अभी जहां देहरादून में पिछले 5 दशकों से लखवाड़ बांध नहीं बन पा रहा था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां देहरादून में लखवाड़ बांध को स्वीकृति प्रदान की है, तो हमारे यहाँ पर जिसके बारे में अभी सरिता दीदी कह रही थी, हमारे अजय भट्ट जी ने उसके लिए रात दिन प्रयास किया है, राज्य की सरकार ने भी प्रयास किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको जमरानी बांध स्वीकृत कर दिया है, जो पिछले बचपन से जिसके बारे में मैं सुनता आया। इसके अलावा उधम सिंह नगर में एम्स का सेटल